मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू ऑल? फाइन, चलिए सब लोग अच्छे ही होंगे। हम चौक घर में बैठे हैं, घर में ही हो ना, कहीं जा तो नहीं रहे हो, घर में ही रहो। हार नहीं, मत निकल जाना, क्लास तो लग नहीं रही है, कॉलेज तो लग नहीं रहा है, कॉलेज तो जाना नहीं है, करना क्या है, घर में बैठ के, है ना। चलिए, तो आज आपका अगला चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, कौन सा? सेंट्रल डोगमा। कल हमने थोड़ा सा शुरू किया था, लेकिन बीच में रह गया था, थोड़े बहुत डाउट्स थे वो क्लियर किए थे। अब तो किसी को डाउट नहीं है, आज तो फाइनली, आज भी है तो बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अगर आज भी कोई डाउट है तो बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे डाउट्स क्लियर करके ही नए चैप्टर पर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, जब तक शुरू करते हैं सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा मैंने आपको बताया क्या होता है, बेसिकली ये जो चेन है। हाँ भाई, मैं आ गई आपके मार्कर से, हम लोग चौक से ही है, सुनने में आप लोगों को कम समझ में आता है, कम पता चल रहा है, मार्कर से कम दिख रहा है, तो इसलिए आपके लिए चौक पे आ गए। ये क्या है बेसिकली, ये होता है आपका सेंट्रल डोगमा। ये जो पूरी चेन है, यानी कि डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना, डीएनए से डीएनए का बनना दैट इज रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए से प्रोटीन का बनना दैट इज ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये जो पूरी चेन है, जो आपकी जीन में मौजूद इंफॉर्मेशन को किस में बदल देती है, अमीनो एसिड्स में बदल देती है, प्रोटीन में बदल देती है, ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है, ये क्या कहलाता है आपका? सेंट्रल डोगमा, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ चीजें इसमें मॉडिफिकेशन में कह लीजिए, एक्सेप्शनली कह लीजिए, या जैसे भी ये पाई जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं आरएनए से डीएनए भी फॉर्म हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसकी प्रेजेंस में होता है? इसमें जो एंजाइम, जैसे कि हम कहते हैं डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, वो कौन करवाता है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो वैसे ही आरएनए से डीएनए का बनना दैट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और ये कौन करवाता है? एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कौन करवाता है ये? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। इसके अलावा पहली बात तो मैं बता दू, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किस किस में मिलता है, आप लोगों ने पढ़ा है, एग्जाम्पल है इसका, जैसे कि एड्स, ठीक है, एचआईवी वायरस, एड्स, एचआईवी वायरस, उसके अंदर क्या मिलता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा एक बहुत ही स्पेशल परफॉर्मेंस, या मैं कहूँ एक यूनिक परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, किसमें? हमने देखा है किसी में आरएनए से आरएनए भी फॉर्म होता है, और बच्चों आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस टाइम जो हमारा वायरस चल रहा है दैट इज द कोरोना वायरस, उसके अंदर ये प्रोसेस पाया जाता है, ठीक है ना। कोरोना वायरस के अंदर ये प्रोसेस पाया जाता है, यानी कि आरएनए से आरएनए का फॉर्मेशन, ठीक है ना, आरएनए से आरएनए का फॉर्मेशन किस में पाया जाता है? कोरोना वायरस में पाया जाता है, हेपेटाइटिस में भी ये पाया जाता है, हेपेटाइटिस में भी ये पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये वो वायरसेस होते हैं जिनके अंदर आरएनए आरएनए का फॉर्म कर सकता है, जैसे हमने बताया डीएनए डीएनए का फॉर्म कर सकता है दैट इज अ रेप्लिकेशन, उसी तरह से आरएनए भी आरएनए का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। तो जो ये प्रोसेस होता है बच्चों, यानी कि ये तो होता है, अगर मैं ये आरएनए वाला हटा दूं, अगर मैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हटा दूं, और ये जो फ्लो आप देख रहे हैं दैट इज द डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन, आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन, ये तो कहलाता है वन वे फ्लो। क्या कहलाता है ये? वन वे फ्लो। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं क्या आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन उल्टा हो रहा है? हो रहा है। तो इसको कहा जाता है क्या? रिवर्स फ्लो। क्या कहा जाता है? मैं इधर लिख दे रही हूं, इसको कहा जाता है बच्चों रिवर्स फ्लो, ठीक है ना, इसको कहा जाता है रिवर्स फ्लो। इसके अलावा एक और प्रोसेस होता है, कौन सा होता है वो? आपका सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो, सर्कुलर फ्लो देने वाले हमारे जो साइंटिस्ट थे वो थे हमारे कॉमनर, वेरी कॉमनर, और इन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे डीएनए
वायरसेस होते हैं या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर हमको सर्कुलर फ्लो देखने को मिलता है, लेकिन वो इसको ना तो डिस्क्राइब कर पाए थे और ना ही आज तक इसका कोई भी ऐसा एग्जाम्पल मिला है कि उसमें कहा जा सके कि सर्कुलर फ्लो मिलता है। ठीक है, तो ये पूरी तरह से गलत है। सर्कुलर फ्लो अभी तक इसका कोई वेरिफिकेशन नहीं है। सर्कुलर फ्लो में उन्होंने क्या कहा था, इधर देखो, उन्होंने कहा था डीएनए से आरएनए फॉर्म होता है और आरएनए से प्रोटीन फॉर्म होता है, ये तो होता ही है, लेकिन उन्होंने कहा था इसके अलावा उल्टा प्रोसेस भी मिलता है, यानी कि आरएनए प्रोटीन से आरएनए फॉर्म हो सकता है, आरएनए से डीएनए फॉर्म हो सकता है और प्रोटीन डायरेक्ट डीएनए भी फॉर्म कर सकता है। ठीक है ना, तो इसको उन्होंने नाम दिया था क्या, सर्कुलर फ्लो, लेकिन इसका अभी तक कोई भी वेरिफिकेशन नहीं है, कोई इसका एग्जाम्पल देखने को हमें नहीं मिला है, इसीलिए जो सर्कुलर फ्लो है ये पूरी तरह से अभी तक मान्य है या मैं ये कहूँ बिल्कुल भी मान्य नहीं है। ठीक है ना, तो ये बात आपको समझ में आ गई, तीनों टाइप के जो फ्लो है आपके वो आपको समझ आ गए। चलिए चलिए बच्चों, ठीक है, अब इसके अलावा अब आप बात कर, हम बात करते हैं किसकी, जीन की। ठीक है, जीन सब जानते हैं, दैट इज द कॉमन यूनिट ऑफ द इंफॉर्मेशन। ठीक है, हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो किसमें होती है, जीन में होती है। जीन जो टर्म है वो किसने दिया है, साइंटिस्ट जोहानसन ने। ठीक है, जीन जो टर्म है ये किसने दिया है, साइंटिस्ट जोहानसन ने दिया है। जीन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आई गेस ये आप सब जानते हैं। ठीक है ना, जीन को हम कह सकते हैं द सेगमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द डीएनए दैट कंफर्म दैट कंटेन इंफॉर्मेशन विच कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अदर ऑर्गेनिज्म और फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। ठीक है ना, द सेगमेंट ऑफ द डीएनए विच कंटेन इंफॉर्मेशन एंड द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग और फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अदर ऑर्गेनिज्म, हम ये कह सकते हैं जीन के बारे में। ठीक है, जीन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, मैं ये कह सकती हूँ जीन का सबसे पहला फीचर ये है, जीन कहाँ पाया जाता है, हमें क्रोमोसोम पर पाया जाता है। ठीक है, जीन कहाँ पाया जाता है, हमें क्रोमोसोम पर पाया जाता है। क्रोमोसोम पर आप जानते हैं, जीन क्रोमोसोम पर कैसे होता है, ऐसा लगता है जैसे कि किसी एक स्ट्रिंग में, किसी एक स्ट्रिंग में धागे में बीड्स है, इस तरह से बीड्स है, इस तरह से जीन जो है वो क्रोमोसोम में पाया जाता है। अच्छा, क्रोमोसोम में कैसे पाया जाता है, क्योंकि क्रोमोसोम किससे बने होते हैं, क्रोमोसोम बने होते हैं बच्चों डीएनए से, और डीएनए किससे बना हुआ है आपका, जीन से, द क्लस्टर्स ऑफ द जीन, मेनी जीन्स आर प्रेजेंट इन द डीएनए एंड डीएनए इज प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम। इसके अलावा और क्या कहते हैं हम जीन के बारे में, हम ये कहते हैं जीन जो होता है वो क्रोमोसोम पर एक स्पेसिफिक जगह पर पाया जाता है, जीन क्रोमोसोम पर एक स्पेसिफिक जगह पर पाया जाता है और इस जगह को बोलते हैं हम लोकस, बोलते हैं बच्चों, आपने पढ़ा है लोकाई। ठीक है, एक स्पेसिफिक जगह पर जीन पाया जाता है, हर जीन की अपनी एक प्लेस है, एक जगह है जिसे हम बोलते हैं लोकस। जीन जो होता है, जीन के अंदर कई सारी फंक्शनल यूनिट्स होती हैं और इन फंक्शनल यूनिट्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, एलील्स कहते हैं। ठीक है ना, कॉमनली क्या होता है कि जीन के अंदर दो एलील्स होते हैं, लेकिन कई बार बाय द म्यूटेशन और या फिर किसी और की वजह से भी किस जीन में कई सारी एलील्स हो सकती है और इस टाइप की प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, मल्टीपल एलील। आप सबने मेंडल का पढ़ा है, आप लोग पढ़ के आए हैं मेंडल के बारे में, आपकी सेल बायोलॉजी की बुक में भी था, आपने ट्वेल्थ में भी पढ़ा है, तो मल्टीपल एलील आप सबने पढ़े हैं सबने। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस क्या हो जाती है जीन के बारे में, और क्या हो सकता है जीन के बारे में, जीन में हम देखते हैं कि जैसे भी कोई भी प्रोसेस होता है, अगर मैं उसमें बात कर रही हूँ किसकी, अगर मैं म्यूटेशन की बात कर रही हूँ तो म्यूटेशन भी हमें किसमें देखने को मिलता है बच्चों, म्यूटेशन भी जीन में देखने को मिलता है। जीन में कोई भी चेंज हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, उसका म्यूटेशन। ठीक है, तो ये सारी बातें आपकी जीन के बारे में होती है। जीन में जो आप ये डीएनए में देखते हैं, डीएनए में जो रेप्लिकेशन आप देख रहे हैं वो भी बेसिकली क्या है, जीन का ही डुप्लीकेशन है। जीन डबल हो रही है तो वो क्या है, रेप्लिकेशन बन जाता है। तो ये सारी प्रोसेस हो जाती है आपकी जीन की, और जो भी थोड़े बहुत आपके दे रखे हैं बुक में दे रखी है, बेसिकली जीन की कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं, जीन के पॉइंट्स दे रखे हैं, तो वो आप उसमें से देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद
जीन की कुछ एक आपको प्रोसेस दे रखी है, मैं बोल सकती हूँ जीन की कुछ एक आध टर्मिनोलॉजी दे रखी है कि जीन की कुछ एक आध टर्मिनोलॉजी है, तो हम उन टर्मिनोलॉजी के बारे में आज बात करते हैं। जीन की कुछ टर्मिनोलॉजी है, इन टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहले दी हुई है आपको क्या है, रिकॉन, रिकॉन, ठीक है, रिकॉन क्या है। अच्छा, कई सारी आपको दी हुई है, सबको पहले लिख लेते हैं सब, ताकि सबकी कंपैरेटिवली हम बात कर सकते हैं। जैसे कि रिकॉन, सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन, ठीक है, और रेप्लिकॉन, रेप्लिकॉन। तो ये सब क्या दिया हुआ है आपको, ये सब आपको दिया हुआ है जीन की कुछ यूनिट्स के बारे में। ये क्या चीज है, बेसिकली ये वो जीन है जिनको क्या दे दिया गया है, जिनको नाम दे दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपकी रिकॉन की, हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, रिकॉन की बात कर रहे हैं। तो रिकॉन क्या है बच्चों, रिकॉन है रिकॉम्बिनेशन की यूनिट। रिकॉन क्या है आपकी, रिकॉन है आपकी रिकॉम्बिनेशन की यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो जीन आपकी रिकॉम्बिनेशन कर रही है, जो जीन आपकी रिकॉम्बिनेशन कर रही है, उस जीन की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, मतलब कोई डीएनए है, कोई पूरा की पूरी जीन है, जैसे कि हम जानते हैं फॉर एग्जांपल होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, होता है। तो वो पार्ट, वो एक छोटा सा पार्ट जो रिकॉम्बिनेशन कर रहा है, दैट स्मॉलेस्ट यूनिट व्हिच टेक पार्ट इन द रिकॉम्बिनेशन इज नोन एज द रिकॉन, ठीक है ना। तो जीन का वो सबसे छोटा भाग जो रिकॉम्बिनेशन में पार्ट ले रहा है, उसको हमने क्या नाम दे दिया है, रिकॉन नाम दे दिया है। आ रही है बात समझ में सबको, ठीक है, रिकॉन क्या चीज है। अब इसके बाद है आपकी सिस्ट्रॉन, इसके बाद आपका क्या दे रखा है, सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन सबको पता है बच्चों, सिस्ट्रॉन के बारे में पता है, मैं आपको बात कर चुकी हूँ, हमने पहले भी देख लिया सिस्ट्रॉन के बारे में, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, मोनोसिस्ट्रॉनिक, सबको पता होगा, आई एम श्योर भूले तो नहीं होंगे, ठीक है ना। तो सिस्ट्रॉन भैया जो हमने बात की थी, क्या है सिस्ट्रॉन, द सेगमेंट ऑफ द डीएनए, ठीक है ना, और द क्लस्टर ऑफ द जीन्स विच गेट रेप्लिकेटेड, और मैं ये कहूँ विच गेट ट्रांसक्राइब्ड, हम क्या कह सकते हैं, विच गेट ट्रांसक्राइब्ड इन अ वन गो, एक गो के अंदर जो पूरा का पूरा सेगमेंट होता है डीएनए का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जॉन इंट्रॉन हम बात करते हैं, एमआरएनए में बात करते हैं, वो एमआरएनए हो गया, लेकिन अगर मैं डीएनए में बात कर रही हूँ, तो ये मान लो डीएनए है, तो डीएनए का इतना यूनिट, उसके बाद इतना यूनिट, उसके बाद इतना यूनिट, तो ये क्या है, पूरा एक होने को तो क्या है, ये डीएनए ही है, लेकिन डीएनए के स्मॉलेस्ट पार्ट, वो छोटे छोटे पार्ट जो किसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन में, यानी कि डीएनए का ये पार्ट पहले ट्रांसक्राइब हो गया, ठीक, उसके बाद डीएनए का ये पार्ट ट्रांसक्राइब हो गया, फिर डीएनए का ये पार्ट ट्रांसक्राइब हो गया, इस तरह से। तो डीएनए के ये पार्ट क्या हो रहे हैं, ट्रांसक्राइब हो रहे हैं, तो इसका जो ये पार्ट है, ये क्या कहलाएगा, ये एक अलग सिस्ट्रॉन है, ये एक अलग सिस्ट्रॉन है, ठीक है, ये एक अलग सिस्ट्रॉन है, इस तरह से। अरे बात समझ में आपको, ठीक है। तो सिस्ट्रॉन क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, और अगर आप लोग बताएं तो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक डीएनए कैसा होता है, मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक डीएनए कैसा होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, यानी कि उसके पूरे डीएनए में कई सारी सिस्ट्रॉनिक यूनिट्स प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है आपको, ट्रांसक्राइब होती है। जबकि यूकैरियोटिक डीएनए कैसा होता है बच्चों, मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है, ये बात हम कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो सिस्ट्रॉन आपको समझ में आ गया, म्यूटॉन क्या है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डीएनए विच टेक पार्ट इन द म्यूटेशन, डीएनए की वो स्मॉलेस्ट यूनिट जिसमें म्यूटेशन होता है, या जीन की वो स्मॉलेस्ट यूनिट जिसमें म्यूटेशन होगा, वो क्या कहलाता है आपका, म्यूटॉन, ठीक है। आप आराम से समझ सकते हैं, नाम से समझ सकते हैं बच्चों। रिकॉन क्या हो जाता है, रिकॉन किसकी यूनिट हो गई आपकी, रिकॉन हो गई आपकी रिकॉम्बिनेशन, रिकॉन क्या हो गई, रिकॉम्बिनेशन की यूनिट, ठीक है। सिस्ट्रॉन क्या हो गई, डीएनए की यूनिट, फिजिकली ये भी डीएनए की यूनिट ही है, पर सिस्ट्रॉन हम लोग किसको बोल देते हैं, डीएनए का वो पार्ट जो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज द सिस्ट्रॉन, ठीक है। म्यूटॉन किसकी यूनिट हो गई, म्यूटेशन की यूनिट हो गई, ठीक है। म्यूटॉन किसकी यूनिट हो गई बच्चों, म्यूटॉन हो गई आपकी म्यूटेशन की यूनिट, और वैसे ही आपकी रेप्लिकॉन, रेप्लिकॉन किसकी यूनिट हो जाएगी आपकी, रेप्लिकेशन की यूनिट,
ठीक है, रेप्लिकॉन किसकी यूनिट हो जाएगी आपकी, रेप्लिकेशन की यूनिट। ऐसे ही एक और आपको दी हुआ है, इसमें कौन सा, ऑपेरॉन। ठीक है, एक और आप लोगों को दिया हुआ है क्या, ऑपेरॉन। तो ऑपेरॉन के बारे में एक छोटी सी चीज इसमें आपको बता सकती हूँ, ऑपेरॉन एक ऐसा सेगमेंट होता है, या मैं ये कहूँ एक ऐसा डीएनए है, एक ऐसा जीन है जिसमें कई टाइप की जीन्स प्रेजेंट होती है। दैट इज उसके अंदर आपको प्रमोटर जीन भी मिलेगी, उसके अंदर आपको उसकी ऑपरेटर जीन भी मिलेगी, तो इट इज अ ग्रुप ऑफ अ जीन। ठीक है ना, तो ऑपेरॉन क्या होता है, जीन्स का ग्रुप होता है। जो आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था, जब मैं होमियोटिक जीन्स आप लोगों को पढ़ा रही थी, जब मैंने आपको डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन पढ़ाए थे, तब मैंने आप लोगों को होमियोटिक जीन्स के बारे में बात की थी। तब मैंने आपसे दो टाइप की जीन्स में बात करी थी, मैंने आपसे कहा था कि दो तरीके की जीन्स होती हैं, एक तो होती है स्विच ऑफ जीन्स, और एक होती है आपकी हाउसकीपिंग जीन्स। हाउसकीपिंग जीन्स कैसी होती है, हाउसकीपिंग जीन्स वो जीन्स होती हैं जो हमारे जन्म से लेकर और हमारे मृत्यु तक कैसी रहती है, कार्यशील रहती है, एक्टिव रहती है, यानी कि जब से हम पैदा होते हैं और जब तक हम मरते हैं तब तक वो अपना काम रेगुलरली करती रहती है। जबकि स्विच ऑन और स्विच ऑफ जीन्स कैसी होती है, स्विच ऑन और स्विच ऑफ जीन्स वो होती है जो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट काम करती है। आ रही बात समझ में आपको, तो आई एम श्योर आपको ये समझ में आया। तो ऑपेरॉन क्या है, ऑपेरॉन वही स्विच ऑन स्विच ऑफ जीन्स का एक एग्जाम्पल होता है, या मेरे को उन स्विच ऑफ और स्विच ऑन जीन के अंदर प्रेजेंट एक तरह का यूनिट है, एक सेगमेंट है जो उन स्विच ऑन और स्विच ऑफ जीन्स को रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है। कैसे करता है वो हम पूरी तरह बात करेंगे बाद में, जब हम ऑपेरॉन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, हम जीन की बात कर रहे हैं। जीन तो हम किसने दी है, जोहेंसन ने दी है। जीन होता क्या है, जीन इज द सेगमेंट ऑफ द डीएनए विच कंटेन इन्फॉर्मेशन विच गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वन पर्सन टू द अदर पर्सन और फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, वो जीन होता है। जीन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है तो सब जानते हैं। जीन किस में प्रेजेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट होता है। जीन के अंदर इंफॉर्मेशन होती है, ये इंफॉर्मेशन कैसे जाती है, जीन में यानी कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए उसी इंफॉर्मेशन से प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। जीन डीएनए में प्रेजेंट है और डीएनए किस कहाँ पे अरेंज है, क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि जीन कहाँ प्रेजेंट है, क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। क्रोमोसोम में जीन कैसे लगे होते हैं, जैसे कि मान लो एक धागे पर बीड्स लगे हुए हों, यानी कि मोतियां लगे हुए हैं, ऐसे एक बिल्कुल एक स्पेसिफिक दूरी पर जीन क्या रहते हैं, अरेंज रहते हैं। ठीक है, और क्या हम बात कर सकते हैं जीन के बारे में, हम ये कह सकते हैं जीन क्रोमोसोम पर एक स्पेसिफिक प्लेस पर प्रेजेंट होते हैं। स्पेसिफिक प्लेस को क्या बोला जाता है, लोकस बोला जाता है। जीन की जो फंक्शनल यूनिट्स होती हैं, यानी कि जीन जिनकी वजह से कार्यशील होता है या इसकी जो फंक्शनल यूनिट्स हैं, उनको क्या बोला जाता है, एलील्स बोला जाता है। नॉर्मली एलील्स दो होते हैं, एक जीन में दो एलील्स होते हैं, लेकिन कई बार म्यूटेशन की वजह से या कुछ एक आध ऐसी जीन्स होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा ब्लड ग्रुप। ठीक है, मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है या नहीं है, है? ठीक है, तो इस तरीके से कई सारी एलील्स भी हो सकती हैं, दैट इज द मल्टीपल एलीलिक कंडीशन। उसके अलावा मैं ये कहूँ जीन कैसे बना होता है, तो जीन बना होता है आपका न्यूक्लियोटाइड से। जीन कैसे बना है आपका, न्यूक्लियोटाइड से बना है, जेनेटिक कोड से बना है। जेनेटिक कोड होते हैं पाथ, मालूम है आपको, तीन न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक जेनेटिक कोड बनाते हैं, कोडोन्स बनाते हैं, वो क्या है, कोडोन है। ठीक है, ये सारी बात हम करिए। फिर उसके बाद ये कुछ जीन की क्या है, यूनिट्स हैं। ठीक है, जैसे रिकॉन है, सिस्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, रेप्लिकॉन, ऑपेरॉन। ठीक है, तो रिकॉन की यूनिट क्या, रिकॉन किसकी यूनिट है, रिकॉम्बिनेशन की यूनिट है। सिस्ट्रॉन किसकी यूनिट है, मैंने बताया आपको डीएनए की यूनिट, इसकी यूनिट है डीएनए, यानी कि वो डीएनए का वो पार्ट जो ट्रांसक्राइब्ड होता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, सिस्ट्रॉन कहलाता है। इसके अलावा न्यूट्रॉन म्यूटेशन की यूनिट है, रेप्लिकॉन रेप्लिकेशन की यूनिट है, और ऑपेरॉन, ऑपेरॉन इज द ग्रुप ऑफ द जीन, जिसके अंदर आपकी प्रमोटर जीन भी होगी, जिसके अंदर आपकी ऑपरेटर जीन भी होगी, जिसके अंदर आपकी स्ट्रक्चर जीन भी होगी। आ रही बात समझ में, वो क्या हो जाता है आपका, ऑपेरॉन। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स। समझ आ रहा है बच्चों, भाई बीच बीच में मुझे ये भी बता दिया करो, समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं ऐसे ही पढ़ाए जा रही हूँ आप लोगों को। हाँ,
पता रखना चाहिए भाई, क्लास चल रही है, अगर घर पे भी बैठ के क्लास चल रही है तो कम से कम थोड़ा बहुत तो कॉन्वर्सेशन होना चाहिए। तो बता दिया करिए, समझ आ रहा है मैम, ये समझ नहीं आ रहा, वो समझ नहीं आ रहा, तो बता दीजिए करिए, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीव। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कौन कौन सी है जीव की, वो आज हम आपको बात करेंगे। ठीक है, चलिए, ये शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं बच्चों कि आज आप लोगों की एक और क्लास लगेगी। आई एम श्योर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई होगी, जिन जिन के पास नहीं पहुंची है और क्लास ले रहे हैं तो उनको मैं बता देती हूँ कि आज आप लोगों की एक और क्लास लगेगी, ठीक है ना, फिजियोलॉजी की, हम ही लेंगे आपकी वो क्लास। ठीक है, वही वो क्लास आप लोगों की आज हम ही लेंगे, ठीक है। आप लोगों की कितने, 9 से 10, हाँ 9 से 10 पे आपकी क्लास लगेगी, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था जब हम लोगों की इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी कि ये दोनों बुक्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जो बच्चे सुन रहे हैं और जो नहीं सुन रहे हैं तो कृपया उनके दोस्त उनके मित्र उनको बता दें कि आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें से डीएनए वाली क्लास काफ़ी चल चुकी है, काफ़ी सारा हमारा पार्ट हो चुका है, 4th चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आप कर दीजिए, उससे पहले बच्चों रिज्वाइन कर लीजिए आप क्लास, रिज्वाइन कर लो क्लास,